और उधर बेमेतरा जिले के पथर्री कला गांव के 35 किसानों ने कलेक्टर से मुआवजा राशि दिलाने की गुहार लगाई है और मुआवजा नहीं मिलने पर चक्का जाम कर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। दरअसल 20 साल पहले जल संसाधन विभाग ने नहर लाइनिंग का कार्य कराने के लिए किसानों के खेत की जमीन भू अधिग्रहण कर ली थी, लेकिन प्रभावित किसानों को आज तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने इरीगेशन विभाग के ईई को मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए। डायवर्सन के से नहर हमारे पथरी कला में आए हैं, वो बने आज 20 साल हो गए और अगर मोजा राशि नहीं मिली है। अब मोजा राशि के लिए किसान साझा SDM के पास चक्कर लगा रहा है, 20 साल हो गए। मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं, विधायक ले भी दे चुके हैं, और बाद भी हमन ध्यान नहीं दी समय पर। अब ध्यान नहीं दी इसका हमन फिर आगे सोचे ना कैसे किया जाए, तो हम कलेक्टर के पास भी विज्ञापन सोचे सर। हाँ, जलाशय से निकले हैं नहर पथर्री कलक आदमी हैं, 35 किसान हैं, पूरा 20 साल हो गए नहर ल बने, आज तक मुआवजा नहीं मिले है। हम आपिस साझा में हफ्ता आथन, 2 साल हो गए लगातार हर हफ्ता आवत। अब कलेक्टर जन दर्शन में ज्ञापन सौंपे बरा हैं पूरा किसान हैं। किसान आए थे, उनका कहना था कि उनको नहर मुआवजा की राशि नहीं मिली है, तो उसमें ई इरीगेशन भी आज जनदर्शन में मेरे साथ थे, तो मैंने ई इरीगेशन को कहा है कि उसमें जो भी उनको मुआवजा राशि बनती है किसानों की, उसको यथाशीघ्र समय पे दिलवाएं।